हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मीज फूड बास्केट। तो आज हम बनाएंगे शाही पनीर। शाही पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी मलाई जिसे फेंट लिया है मैंने, एक छोटी कटोरी काजू, साबुत जीरा, दो छोटी इलायची और दालचीनी। यहाँ पे मैंने दो टमाटरों को लंबा लंबा काट लिया है और यहाँ मैंने तीन मीडियम साइज के जो प्याज हैं उन्हें इस तरीके से डाइस कर लिया है। और फिर हमें चाहिए पनीर। तो अब हमने एक पैन में तेल गर्म कर लिया है, इसमें हम डालेंगे साबुत जीरा, दालचीनी और दो छोटी इलायची और इसे अच्छे से पका लेंगे। तो अब हमारा जीरा पक गया है, अब हम इसमें डाल देंगे हमारे डाइस किए हुए प्याज। तो अब हमारा प्याज सॉफ्ट हो गया है और गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो अब हम इसमें डाल लेंगे काजू और इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब काजू और प्याज को अच्छे से पकाने के बाद हम इसमें डाल लेंगे टमाटर। और इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसे तब तक पकाना है जब तक हमारे टमाटर हल्के मैश नहीं हो जाते। तो अब हमारे टमाटर भी हल्के पक गए हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे सारे मसाले। तो पहले हम इसमें डालेंगे दो चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच कलर वाली लाल मिर्च और नमक। नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। और फिर से इन सब चीजों को मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी चीनी, ये ऑप्शनल है, अगर नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं। अब हम इसमें हल्का सा पानी डालेंगे और इसे पकने देंगे जब तक टमाटर प्रॉपरली पक नहीं जाते। तो जब तक हमारा मसाला रेडी हो रहा है तब तक हम अपने पनीर को क्यूब्स में कट कर लेंगे। इसका साइज भी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। अब हमारा ये मसाला रेडी हो गया है, अब हम इसे हल्का ठंडा होने देंगे और फिर हम इसे मिक्सर में ब्लेंड कर लेंगे। तो अब हमारी ग्रेवी रेडी हो गई है, इसे हम एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। तो यहाँ मैंने एक पैन गर्म कर लिया है, इसमें हम डालेंगे बटर। बटर दो चम्मच के आसपास हमने डालना है। अब हम इस बटर के अंदर डाल देंगे पनीर। पनीर को हमने हल्का रोस्ट करना है हर साइड से। इसके ऊपर हम डालेंगे हल्का सा नमक और हल्की सी लाल मिर्च। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो पनीर क्यूब्स हैं वो रोस्ट हो गए हैं। तो अब हम इसमें हमारी शाही पनीर की ग्रेवी डाल देंगे। अब हम इसे सारी चीजों को मिक्स करके एक दो मिनट तक पकाएंगे। तो अब हमारा शाही पनीर पक गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम। अब हमारा शाही पनीर रेडी है, तो अब हम इस पे कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी मैंने रोस्ट कर ली है तवे पर। अब हम इसे ऐसे दोनों हाथों के बीच में रखेंगे और इस तरीके से मसल के डाल देंगे। तो अब ये रेडी है, हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे।
तो हमारा शाही पनीर रेडी है, आप भी इसे घर पे जरूर ट्राई करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।